हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगी सपोर्ट मटेरियल से। चैप्टर हम उस बुक से स्टार्ट कर चुके हैं जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है, आज उसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन 20 आपके पास यहाँ पर सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन लिख के दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो फिर वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू में एक्स है, माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो है। क्लियर है? देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमारे को ए बी और सी तीनों चीज़ें चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास ए बी है, बी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का ए सी है, और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का बी सी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए डी चाहिएगा, तो डी आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। तो बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फोर ए की वैल्यू ए बी है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी सी है। इसमें तो आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जो होती है वो होती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब बी का बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो बी की पावर फोर माइनस का टू, ए की जगह बी स्क्वायर, बी की जगह ए सी, प्लस का बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया, यहाँ पर फोर ए बी स्क्वायर सी आ गया। अब आप देखो, ये दोनों टर्म को आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का टू, क्योंकि फोर बड़ा है, तो टू ए बी स्क्वायर सी, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फिर आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, किसकी, बी स्क्वायर प्लस ए सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर ही हो जाएगा, बी स्क्वायर ही हो जाएगा, और टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको एक्स फाइंड करना है। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, देखो बी की जगह बी की वैल्यू रखो, तो वो थी बी स्क्वायर माइनस का ए सी, तो मैं यहाँ लिख लूँ बी स्क्वायर माइनस का ए सी, प्लस माइनस डी की वैल्यू है आपके पास बी स्क्वायर प्लस का ए सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है, ए बी है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आपके पास माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखो आप यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए सी लिख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कर दिया, तो बी स्क्वायर प्लस का ए सी हो गया अपॉन में टू ए बी हो गया। ठीक है, अब एक बार प्लस के लिए ले लूँ, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए सी अपॉन में टू ए बी। ठीक है, और एक बार माइनस वाली टर्म ले लो, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस, अब देखो जब यहाँ माइनस होगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए सी आ जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो आपका यहाँ पर से कट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ए सी अपॉन में टू ए बी। ठीक है, टू से टू कट हो गया, ए से ए कट हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई सी अपॉन में बी। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ कट हो रहा है, ये दोनों कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू बी स्क्वायर अपॉन में टू ए बी। तो टू से टू कट हो गया, एक बी से कट हो जाएगा, तो एक्स आपके पास यहाँ बचेगा एक माइनस का बी अपॉन ए। दो वैल्यूज़ निकलनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही वैल्यूज़ हमारे यहाँ फाइंड हो गए। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, फाइंड पी, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहा है, एंड देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ साथ इसके रूट्स भी आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, तो यहाँ पर है आपके पास p प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर है माइनस सिक्स, पी प्लस वन इंटू में एक्स है प्लस थ्री, ब्रैकेट में आपके पास था p प्लस नाइन इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर रूट्स जो है वो इक्वल है, तो डी की वैल्यू जीरो होगी, पर आपको ए बी सी चाहिएगा, पहले चाहिएगा ना। तो देखो, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी प्लस वन, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस सिक्स पी प्लस वन,
और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 ब्रैकेट में p+9। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो 3p+27 हो जाएगी। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू है यहाँ पर -6 p+1² 4, a की जगह मैंने लिखा p+1, c की जगह मैंने लिखा 3p+27। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास -36 और ये आ जाएगा +36, क्योंकि -6 और -6 प्लस का हो जाएगा p+1² माइनस, ये 4 ऐसे ही रहने दो, p को अंदर इंटू करोगे तो 3p² + 27p आएगा, 1 को करोगे तो 3p+27 आएगा। ठीक है, यहाँ 36 हो गया, इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, a² + b² + 2ab माइनस, इसको 4 को ऐसे ही रहने दो। देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3p+30p+27। ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है कि ये इज इक्वल टू में 0 के इक्वल चल रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे इंटू कर सकते हैं, तो इसको अगर इंटू करें हम तो यहाँ आ जाएगा 36p² + 36 को हमने 2 से इंटू किया तो 72p आ जाएगा, माइनस 4 को अंदर इंटू कर लूँ, 4 3 12p² ± 120p। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और 4 को 27 से इंटू करोगे तो 8 9 और 1 10 108 आ जाएगा। ठीक है, इसी कल्टू में 0 चल रहा है, जो जिससे सॉल्व हो रहा है, जैसे ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 24p², ठीक है ना, 72p और माइनस का 120 है, तो आंसर आपका माइनस का आएगा। 120 में से 72 को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, 48। ठीक है, अब 36 के साथ किसको सॉल्व करोगे, 108 को, तो 108 में से 36 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, 72, क्योंकि 108 आपका माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 72 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखो ना तो आपके पास कॉमन आ रहा है, 24 के टेबल में ये तीनों ही आते हैं, तो 24 को ही बाहर ले लो, तो यहाँ पर p² बच जाएगा। ठीक है, अब 24 को 48 की 48 कब आता है 24 के टेबल में, 2, तो यहाँ 2p आ जाएगा, और अगर 24 3 जा आप देखो तो 3 4 12 72 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, अब इस 24 को दूसरी साइड ले जाओ तो वो 0 के बराबर हो गया, 2p² - 2p - 3 = 0 आ गया। मिडल टर्म अगर मैं स्प्लिट करूँ यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और वैसे 2 आना चाहिए ना, तो अगर हम माइनस का 3p और प्लस का 1p ले लें, माइनस का 3 = 0 ले लें, तो इन दोनों का एक पेयर मैं यहाँ बना सकती हूँ, इन दोनों का एक पेयर, p को कॉमन लिया तो p - 3 आ गया, यहाँ से 1 को कॉमन लिया तो p - 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, तो एक आ गया p+1, एक आ गया आपके पास p-3, तो p+1 को 0 के इक्वल लग दिया, एक बार p-3 को 0 के इक्वल लग दिया, p की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, अब p की वैल्यू यहाँ से आपके पास 3 आ गई। आपको क्या करना था क्वेश्चन में, p की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब आपको इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो p के आपके पास 2 वैल्यूज़ निकली है। ठीक है, अब इन दोनों को इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो p+1 इंटू में x² था -6 p+1 इंटू में x था +3 p+9 इज इक्वल्स टू में 0 था। ठीक है, तो अब आपको इसके रूट्स फाइंड करने, देखो अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू -1 रखती हूँ तो देखो अगर यहाँ -1 रखूँगी +1 करूँगी तो ये 0 बन जाएगा, और 0 को x² से इंटू करूँगी तो 0 ही आ जाएगा। फिर ये इक्वेशन तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, क्योंकि x² वाली टर्म तो बची नहीं, वो तो 0 हो गई, तो इसका मतलब ये आपके लिए नॉट पॉसिबल वाली वैल्यू है, p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। समझ में आ गया कि हम p की वैल्यू -1 क्यों नहीं रख रहे, तो अब हम रखेंगे p की वैल्यू 3, तो p इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ p है आप वहाँ पर पुट कर दो, -1 तो हमें रखना ही नहीं है, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3+1 x² - 6, यहाँ आ जाएगा 3+1 x, और यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3+9 इज इक्वल्स टू में 0।
ठीक है। अब 3 + 1 4x² हो जाएगा, 3 + 1 4, और 6 से इंटू करेंगे तो 24x आ जाएगा, और 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, 12 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0। 4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x² माइनस का 6x और प्लस का 9, क्योंकि ये तीनों ही आपके पास 4 की टेबल में आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपकी यहाँ पर ये बन गई है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसको आप क्या करो, मिडल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हो कि प्लस माइनस करने के बाद तो आपके पास माइनस 6 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 9x² है, माइनस 6x आए। तो दो नंबर 3 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 3 जो 9 भी होता है और 3 + 3 6 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया, बाहर माइनस था इसलिए मैंने साइन को चेंज कर दिया है, ठीक है। दोनों x माइनस 3 आ रहे थे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार इसको भी 0 के एक बार रख दो और इसको भी 0 के एक बार रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया x की वैल्यू 3 और यहाँ से भी x की वैल्यू 3। वैसे भी आपसे कह रहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो देख लो आपके इक्वली तो आ रहे हैं रूट्स, और रूट्स निकल गए, क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर 21। तो 20 और 21 दो क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।